हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाइन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन समोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिए एक कप मैदा, इसे हमने छान लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टी स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कंबाइंड होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूनेंगे। ये देखिए, हमने आटे को अच्छा नरम गून लिए। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून क्रश्ड अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून क्रश्ड हरी मिर्च। इसे हम 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम्स चिकन खीमा। 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। खीमे का पानी हमने अच्छे से सुखा लिए। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून क्रश ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल के लो फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे। खीमा हमारा अच्छे से कुक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी और इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। इसे हम और एक बार गून लेंगे। 2 हिस्से में हम इसे डिवाइड करेंगे। 1 हिस्से को हम अच्छे से गोल कर लेंगे। टेबल पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इस पेड़े को बड़ी सी रोटी में बेल लेंगे। हमने इसे बेल लिए। हमें इसकी थिकनेस ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली रखनी है। एक कटोरा लेके गोल सर्कल में कट कर लेंगे। बचे हुए आटे को हम फिर से बेल कर गोल सर्कल में कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे लेंगे और इसके सेंटर में चिकन फिलिंग्स भरेंगे और इसके साइड्स को अच्छे से दबा कर फोल्ड कर लेंगे। फॉक से इसके साइड्स को अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ पुश कर लेंगे। सेंटर में हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसे एक फ़ैन का शेप देंगे। ये देखिए, हमने सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई करके आपको डिश आउट करके बताएंगे। ये देखिए, हमने चिकन समोसा एक नए स्टाइल में बना के आपको बताए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी।